तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ आपके साथ आयुष। दोस्तों आपको ये पता है कि लगातार हरियाणा के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और कनेक्टिविटी की जब भी बात होती है तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं उन सब के साथ कनेक्टिविटी की जो चर्चा है वो होती है। अब आप हरियाणा का अगर आप इसमें जिक्र करें तो अभी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से आपने देखा है कि कुछ छोटे एयरपोर्ट्स को शुरू करने की जो प्लानिंग है वो हुई हिसार के अंदर, तो बाकायदा एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है। अम्बाला में भी आप देख रहे हैं इसी तरीके से जो एयर स्ट्रिप है उसको और बेहतर बना करके, और अभी तक चूँकि सैन्य सामान या फिर सैन्य आप कह सकते हैं गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा, यानी कि डोमेस्टिक वहाँ से जो आपको एक फ्लाइट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपको अम्बाला के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये तो बात एयर कनेक्टिविटी की हुई। रोड पर अगर आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि NH से लगातार हरियाणा को कनेक्ट किया जा रहा है। ना सिर्फ कनेक्ट हो रहा बल्कि हरियाणा बहुत बेहतर तरीके से नेशनल हाईवे के ज़रिए जुड़ा हुआ है देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों के साथ। और साथ ही साथ आप अगर ये भी कहें, क्योंकि NCR के अंदर बहुत सारा हिस्सा हरियाणा का रहता है, तो इसलिए दिल्ली के साथ तो कनेक्टिविटी हरियाणा की वैसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब रेलवे कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी हाल फिलहाल में हरियाणा में आने वाले हैं, और उसी कड़ी में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ आज इस वीडियो में, और इसकी मंजूरी मिल गई है। देखिए प्रशासनिक मंजूरी मिली है RDB दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से सूरजकुंड रोड तक निर्बाध कनेक्टिविटी जो प्रदान है वो किए करेगा, और इसके अलावा रेलवे विभाग जो है उसने RUBY के द्वारा रेलवे विभाग में इसको समाहित किया जाएगा, और हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा रेलवे भूमि के बाहर इसको ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने एक और रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, और इसकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो भी होने वाली है, और ये जो रेल का जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ज़रिए भी आप देख रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो दी जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरठ तक का जो कॉरिडोर है वो पूरा होगा, और उसके बाद फिर पानीपत तक का भी इसी तरीके का कॉरिडोर है, और इसी तरह से और भी कनेक्टिविटी है जो कि रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ज़रिए भी होनी है। तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे, और इससे जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।